भाजपा ने शंखनाद पदयात्रा की समाप्ति के बाद नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास को वार्डों की समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर प्रदर्शन करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला द्वारा सभी 70 वार्डों में शंखनाद पदयात्रा अध्यक्ष ब्रिजेश बिसपुरिया के नेतृत्व में निकाली गई थी। भाजपा नेताओं ने वार्डों में मौजूद समस्याओं को देखा था और लोगों से चर्चा की थी। पदयात्रा के समाप्त होने के उपरांत भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिसपुरिया के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों, जिले के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं द्वारा निगम कमिश्नर रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के पश्चात समस्याओं के निराकरण को लेकर काफी देर तक चर्चा की गई। साथ ही वार्डों में मौजूद समस्याओं के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया गया। इसकी जानकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिसपुरिया ने दी। उसी की समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे थे। 9 दिन की शंखनाद पदयात्रा थी मेरी, उसमें जनता से रूबरू हुआ और जनता ने जो समस्याएं बताई तो 12 पेज में वो लोगों के नाम थे, समस्या का था और किस जगह की समस्या थी, वो सारी की सारी नोट करके कमिश्नर साहब को दिया। एक एक समस्या पर चर्चा हुई, उनसे समय मांगा, उनसे कब तक ठीक करेंगे, हमने समय दिया है और उस समय के बाद अगर नहीं होता है तो हम फिर से बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और आज जनता त्रस्त है पूरी तरीके से, नाली पानी बिजली और जो मौलिक सुविधाएँ हैं उसके लिए। आज जो मैंने बताया उनको कि पानी लोगों को शुद्ध नहीं मिल रहा है, टंकियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं और नालियों में जिस तरह से पानी का पाइप गया हुआ है उसके ऊपर से सेवरेज का पाइप गया हुआ है, सेवरेज का पाइप से जो पानी निकल रहा है नल के माध्यम से लोगों को घर पहुंच रहा है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। 500 लोग डायरिया के माध्यम से पीड़ित हो गए हैं पूरे कैंप क्षेत्र में। वो खुर्सी पार में भी डायरिया पहुंच गया है, खुद भी पहुंच गया है। और गुरुद में जो छोटे लोग रह रहे हैं, गरीब लोग, अटल आवास में बॉम्बे जो योजना बनी उसके हिसाब से और हुडको में हुडको योजना कैंप में बनी है, वहाँ तो एकदम बेसिक चीज़ है ही नहीं और नालियाँ ढह गई हैं, मतलब नाली बस्ट हो गई है, पीछे की बैक लाइन है वो बस्ट हो गई है। वही स्थिति सेक्टर 2 में है, सेक्टर 1 में है, वहाँ भी जो पीछे की बैक लाइन है नालियाँ बस्ट हो गई है। कितने दिन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्या ये उन्होंने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। कुछ दीर्घकालिक समस्याएं हैं, कुछ तत्कालिक समस्याएं हैं, तत्कालिक समस्याएं हैं उनको हम नाली पानी सफाई की जो बात है तुरंत करेंगे। और जिनमें लंबी प्लानिंग है, बस लाइन पूरी चेंज करना है, सर्वे लाइन चेंज करना है, पानी लाइन चेंज करना है, पानी लाइन को जो उन्होंने बोला नीली वाली पाइप लाइन है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, उसकी जगह हम पूरी नई पाइप लाइन डालेंगे। और रोडों की बात की है उन्होंने कि 9 करोड़ रुपये संधारण के लिए आया है, उस 9 करोड़ रुपये को हम 5 जोन में बांटेंगे और रोडों का संधारण होगा। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि पूरी यात्रा हो गई है, उस दौरान सिर्फ एक यात्रा में ही बड़े नेता दिखे हैं, ये लोग एक नहीं है, इसका फायदा हम उठाएंगे। कांग्रेसी एक है क्या? सिंह जो रोज बोलता है कि चुनाव के बाद अपना भविष्य तय करूंगा, तो आप इसके बाद और इसके नहीं नहीं हम उनकी बात कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। और इसके बाद अभी मोतीलाल जी बोरा की मूर्ति लगाना थी दुर्ग में, हमारे पितृपुरुष है ना यहाँ के दुर्ग के, तो उनकी मूर्ति लगाना थी, उनकी मूर्ति नहीं लगी, वासुदेव जी की मूर्ति लग गई। और जो भिलाई से ज्ञापन जारी हुए जिसमें महापौर की फोटो था, विधायक की थी और उसमें दुर्ग के महापौर की और दुर्ग के विधायक की फोटो तक नहीं थी, इससे बड़ी गुटबाजी कोई हो सकती है क्या? हमारी गुटबाजी की बात तो आप मत करो, हमारा विधायक शामिल हुए कितने समय में, नहीं ये जो बोल रहे हैं हमारे, चलिए ठीक है ये बताइए कितने समय में पूरा समस्या का निराकरण बोला है, इसके बाद अगला कदम क्या होगा, समस्याओं का निराकरण नहीं है? अभी उनको बोल दिया मैंने कि ये समस्याएं अगर 7 दिन के अंदर नहीं होती पूरी तो इसके बाद हम इससे कई गुनी संख्या में आएंगे। तो वो बोल रहे थे अभी भी आप बहुत बड़ी संख्या में आए हो, हमने बोला संख्या तो कुछ भी नहीं थी, इससे 10 गुनी संख्या आएगी। ये बताइए नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त तो रोहित व्यास ने ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी एक उनके प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन हम लोगों को दिया गया है जिसमें उनके द्वारा कुछ समस्याओं की जानकारी दी गई है। जब मैं ज्ञापन को देख रहा था तो अधिकांश समस्या इसमें सेक्टर एरिया से संबंधित है जो BSP के अंतर्गत आता है, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम लोग BSP को उसके लिए नोटिस जारी करेंगे और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी करेंगे। बहरहाल भाजपा द्वारा नगर निगम आयुक्त तक सभी समस्याएं पहुंचाई जा चुकी हैं। देखना होगा इसके निराकरण को लेकर निगम प्रशासन कब तक प्रयास शुरू कर पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।